सब्सक्राइब करें लाइफ स्टाइल विद चारू सिवरे चैनल को, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बर्थडे गर्ल, ये बर्थडे गर्ल है आज की, सब लोग इसको ढेर सारी विशेस दो, ये वाकर से भग भग के आ रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वैष्णवी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे बिट्टो, सब लोग ढेर सारी विशेष दो, मेरी बिट्टो आज 1 साल की हो गई, 1 साल की, रेडी है सुबह सुबह से जाने के लिए। हाँ बिट्टो जाने के लिए तैयार है हॉल में, जहाँ से बिट्टो का बर्थडे होने वाला है, जहाँ से बिट्टो का बर्थडे होने वाला है। और भैया यहाँ पर खा रहे हैं ब्रेड बटर, दूध पी रहे हैं। अब वो बिट्टो की बॉटल लग, भैया चीकू को तो दे दो थोड़ा सा। बिट्टू एक फोटो, बिट्टो बिट्टो एक फोटो, अरे लड़की चुप, बिट्टो 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 इधर देखो, गिर जाओगे, इधर देखो, ऊपर देखो, मेरे इधर देखो, बिट्टो ए भैया इधर देखो, बच्चा जल्दी गिर जाओ, ज्यादा देर नहीं, बिट्टो बिट्टो इधर देखो, बिट्टो ए बिट्टो। तो अभी बज रहा था करीब 1:30 या 2 बजा था, और इस समय हम लोग यहाँ पर आ गए थे। भाभी लोग तो सुबह 11 ही बजे आ गई थी। एक्चुअली में जो फंक्शन था वो एक मैरिज हॉल से हुआ था, तो हम लोग भी आ गए थे 1:30 से 2 बजे, और फिर मैं 2-3 घंटे रुक के शाम को 4:30-5 बजे घर चली गई थी। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे थे, तो ये भी थे, बिट्टो को खिला रहे थे, और यहाँ बगुआ दूध पी रहा है, और बिट्टो मेरे पास है, वो आप लोगों को पता ही है, कहीं भी हूँ अगर मैं हूँ तो बिट्टो फिर मेरे ही पास रहती हैं, किसी के पास जाती नहीं है। भाभी बैठी हैं, भाभी की दोनों देवरानियाँ बैठी हैं, और सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर हम लोग, और अच्छा लग रहा था सबके साथ। अभी ज़्यादा कोई आया नहीं था गेस्ट, क्योंकि बर्थडे है, बर्थडे शाम को ही होता है। तो उसके बाद ये महिमा नीचे आ गई थी आप लोगों को दिखाने के लिए स्टेज। तो यहाँ पर डेकोरेशन स्टार्ट है, यहाँ यहीं पर केक कटेगा, एक्चुअली में केक हो या जयमाल वगैरह हो, इसमें हॉल में यहीं पर होता है, और काफ़ी बड़ा पीछे ग्राउंड है, इसमें काफ़ी अच्छा हॉल है। तो ये देखिए यहाँ पर बलून वगैरह की डेकोरेशन होनी है बर्थडे के लिए, तो वही सब यहाँ पर फुलाकर वो लोग जैसा भी जो भी करते हैं वो सब कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर फ़ोटो लगनी बाकी है बच्चों की, ये हैं गणपति पप्पा। तो स्टेज में क्योंकि बर्थडे है तो यहाँ पर फ़ोटो लगेगी बच्चों की, दोनों बच्चों की, नायरा और ईशान की, तो वो लगनी बाकी है। तो देखिए फ़ोटो लग चुकी थी, मैं जा रही थी नीचे खाना खाने, तो मुझे लगा, मैंने देखा अरे यहाँ तो फ़ोटो लग गई, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। गुड इवनिंग, शाम हो गई है, सुबह से वीडियो स्टार्ट किया था, आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी। अभी 7:30 बज रहा है, रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। पता ही आप लोगों को आज बिट्टो का बर्थडे है, बिट्टो बउआ दोनों का, तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, मेकअप भी किया है थोड़ा बहुत, और मैंने आज जूड़ा भी लगाया है, ये साइड से थोड़ा सा अच्छे से किया है बट हो नहीं पाया है, और ये इयररिंग पहने हैं, इसमें वॉच और इसमें चूड़ियाँ। तो बस रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, ये भी रेडी हो रहे हैं। अनैतिक, ये लास्ट टचअप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का, हम तैयार हो रहे थे सामने मिरर के, तो नैतिक भी रेडी हो चुके हैं, पर नैतिक सामने नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। चीकू ऑलरेडी से परेशान हो रहे हैं, चीकू ऑलरेडी से परेशान हो रहे हैं कि ये लोग फिर से रेडी हो रहे हैं। एक्चुअली इसी की प्रॉब्लम हो जाती है, अभी खा पी चुका है, खाना पीना खा लिया है, अब इसको ढक दूंगी तो ये फैन ऑन रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी ढकने से, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी से होने लगी है। ये नैतिक दिखा दिया, तो चलिए जैसा भी होगा जो भी होगा, जितना सूट कर पाऊंगी उतना करूंगी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना करूंगी कितना नहीं करूंगी। मेकअप किया है आई मेकअप, बट कैमरे में इतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए चलती हूँ, टाइम हो गया 7:30 बज गए ऑलरेडी से, देर हो गई है हम लोगों को। एक्चुअली मैं दोपहर में भी गई थी, फिर हम लोग वहाँ से 4 बजे लौट के आए, तो फिर 4:30 पे थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया, तो टाइम हो ही जाता है फिर रेडी वगैरह होने में। और पूरा लुक अभी महिमा से दिखाऊंगी आप लोगों को, अपना मैंने जूड़ा भी बनाया है, आई होप आप लोगों को मेरा जूड़ा दिख गया होगा, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। क्या वो बनकर, तो ये है
है मेरा आज का लुक, मैं आप लोगों को दिखा रही थी साड़ी। बताइएगा आप लोग साड़ी कैसी लगी, और ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लगती। मुझे बहुत अच्छी लगती है, सिंपल एंड सोवर है, सिंपल है बट अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। और महिमा यहाँ पर आप लोगों को जूम करके जूड़ा दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो बताइएगा आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा आज का ये। तो चलिए चलते हैं गेस्ट मैरिज हॉल। तो यहाँ पर आ चुकी थी और एक्चुअली मैं बिल्कुल बस केक कटने जा रहा था, भाभी हम लोगों का वेट ही कर रही थी, थोड़ा सा लेट हो गया था, मैंने आप लोगों को बताया था। और लेट देखिए हो ही जाता है, कितना भी कोशिश करो हो जाता है, और फिर काफ़ी घर से दूर था तो आने में भी कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं भाभी को दे रही थी बिट्टो की, आप लोग केक कटवाओ। और अभी आप लोग देखिएगा बिट्टो को इतनी शैतान हो गई है, केक काटने की जगह केक काटा और अपने हाथ से ही ले के खुद ने ही खा लिया। जब तक मैं इसके हाथ से लेती कि मैं खिला दूँ, तब तक वो खुद ही खा लेगी। देखिए पूरा हाथ में, पूरा इसने हाथ मार के केक ले लिया था अपने हाथ में। तो मैंने कहा लाओ मैं ले लूँ, पर मैंने लिया पर जो था इसकी उंगली में, तो सबसे पहले उसने खुद ही खा लिया। ये देखिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी को खिलाने की। और बउआ तो एज यूजल रो रहे थे, एक्चुअली मैं वो इन कपड़ों में अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था इसीलिए रो रहा था, क्योंकि छोटा बच्चा उसके सोने का टाइम था। मेन कपड़े तो नहीं थे, कपड़े तो चलो कोई बात नहीं सब बच्चे पहनते हैं, लेकिन इसको ना सोने का टाइम था। ये शाम को 7-7:30 बजे सो जाता है, तो इसके सोने का टाइम था इसीलिए ये बड़ा चिड़चिड़ा रहा था। और बिट्टो ने भी ढंग से सारे कपड़े पहने ही नहीं थे, इसके ऊपर हेयर बैंड था, वो टेल्स होती है, वो छड़ी वगैरह होती है, और जो पंख होते हैं ना वो सब फेदर वगैरह सब कुछ थे, बट इस ये हेयर बैंड तो लगा नहीं रही थी। पूरा पीछे तक जो होता है हेयर बैंड वो था, ये वो भी नहीं लगा रही थी। पता नहीं ये देखिए वो जो ये हम मैं हाथ में लियो ना, ये थल पर लगा दो तो तुरंत निकाल के फेंक दे रही थी अपने आप से ही। तो केक कटिंग होने के बाद मैंने कहा चलो हम लोग भी फ़ोटो खिंचा लेते हैं, एक याद रहती है, बनी रहती है हमेशा के लिए। तो उसके लिए भी हम लोग स्टेज पर आ गए थे फ़ोटो के लिए। उसके बाद फिर से हम लोग आ गए थे बीच में, तो मैं हूँ और येलो साड़ी में भाभी की हाउस हेल्पर है, मतलब हाउस हेल्पर नहीं है ये बच्चों की केयर टेकर है, और इधर दीदी हैं यानी कि महिमा की मम्मी। तो ये केयर टेकर है बच्चों के लिए, भाभी ने रखी है क्योंकि ट्विंस हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्लोजअप बच्चों के निकल रहे थे, तो आप जान सकते हैं बिट्टो हमारे पास या इनके पास ठीक से रहती हैं। तो वही ये बैठे थे थोड़ा सा लेके कि शांति से बैठी रहे बहुत, क्योंकि भीड़ में बच्चे थोड़ा सा भड़बड़ा से जाते हैं। तो वही हाल यहाँ पर बिट्टो का भी हो रहा था, तो ये लिए बैठे थे कि चलो बेटा थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह क्लोजअप निकलवा लो। तो पहले बिट्टो के निकलेंगे, उसके बाद बउआ के क्लोजअप होंगे। तो वही सब चल रहा था बर्थडे में, और ऐसा कुछ खास तो होता नहीं है, तो बस यही सारे क्लोजअप होंगे। बिट्टो के हो चुके हैं, अब नंबर है बउआ का। तो देखिए बैठा था शांति से, ये भी थोड़ा सा बैठ ही गया था शांति से, हम लोग सोचते थे कहीं, क्योंकि इतना अच्छे से भी चेयर में बैठ नहीं पाता है, लेकिन बैठ गया था अच्छे से। बउआ के भी हो चुके थे, तो उसके बाद ये यहाँ पर भाभी को देख लिए थे, तो चलो बोले चलो मेरे साथ थोड़ा सा वीडियो बनवाओ। यही भाभी हैं बिट्टो और बउआ की मम्मी, आप लोग जानते ही होंगे, कई कई बार भाभी मेरे वीडियोज़ में आ चुकी हैं। तो बस हम लोग वीडियो बना रहे थे, और उसके बाद हमने पता है क्या किया था, मैंने अपना फ़ोन दे दिया था फोटोग्राफर भैया को, मैंने कहा था थोड़ा सा हमारे साथ भी कैप्चर कर दो, तो उन्होंने ये कैप्चर कर दिया था हमारे साथ भी। और उसके बाद हम लोग खाने पीने आ गए थे, क्योंकि उसके बाद बस वहाँ पे कुछ नहीं हो बचा था, सब चीज़ें हो गई थी, क्लोजअप भी, केक कटिंग सब कुछ हो गया था। तो बस फिर हम लोग आ गए थे इधर खाना पीना खाने, खाना नहीं खाया था, बस स्नैक्स वगैरह ऐसे पाव भाजी और चोखा बाटी वगैरह थी, चिल्ला वगैरह यही सब हम लोग खा रहे थे। तो ये यहाँ पर महिमा बोल रही थी आंटी हाई करो, तो वो हाई कर रही थी, और डेकोरेशन महिमा दिखा रही थी, जो भी सारा वीडियो था महिमा ने कैप्चर किया है, मैंने बाद में ही थोड़ा बहुत किया था, तो बाकी सारा सब कुछ महिमा ने ही कैप्चर किया था। तो यहाँ पर ये लेके आए थे कढ़ाई वाला दूध, तो और मैं लिए थी चिल्ला, तो ये खा रहे थे, मैंने कहा मुझे दूध दे दो तो मैं दूध पीऊँगी। और अभी देखिएगा ये यहीं पर डांस करने लगेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक डीजे वगैरह चल ही रहा था। तो ये हाई करने के बाद ये देखिए बच गया नहीं, जो पूरा दूध था वो पूरा मेरे ही ऊपर गिरता, ऐसे ये डांस कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए बिट्टो कैसे खेल रही है, मस्ती कर रही थी, खूब मज़े में थी लड़की, आज खूब मस्ती करी इसने, एंजॉय किया। तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा बहुत वीडियो बना रही थी, दिखा रही थी आप लोगों को सबको, बिट्टो उधर थी इनके पास भी। तो बस ऐसे ही जो भी मुझसे बन रहा था मैं बना रही थी थोड़ा थोड़ा सा, एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा भी खुली नहीं हूँ, थोड़ा सा बनाने में हिचक भी लगा करती है, और मेरा जूड़ा ना हल्का सा खुल चुका था, एक्चुअली पहली बार मैंने लगाया था। और यहाँ पर ये भाभी की जो बच्चों की जो केयर टेकर थी वो रसगुल्ला खा रही थी, तो मैंने कहा मैं तुम्हारा सूट कर रही हूँ, मैं देखूँगी तुमने कितने खाए, हम लोग चिढ़ा रहे थे ऐसे ही, बहुत अच्छे नेचर की है,
लगता ही नहीं है कि बच्चों की केयर टेकर बिल्कुल घर जैसी भाभी के यहाँ रहती है। भाभी बहुत अच्छे से रखती है और वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों की केयर करती हैं। तो वो देखिए बिट्टो बिट्टो भी खेल रही है, कैप वैप लगा रही थी। यहाँ पर बउआ के बड़ी अच्छी स्टोरी थी, डांस कर रहे थे। अगर इनको बिठा दो ना तो ये अपने मन से खड़े हो जा रहे थे कि नहीं, मतलब कि मतलब बोल तो पाता नहीं है, खड़े हो जा रहे थे कि मुझे डांस करवाओ, ऐसे ही डांस करो। तो बस मज़े से खूब खेल रहा था, आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त था। और ये उन कपड़ों में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था तो कपड़े इसके चेंज कर दिए थे, ये डांगरी बना दी थी इसमें, इसको कंफर्टेबल था तो ये मस्ती कर रहा था, खेल रहा था खूब अच्छे से। और नैतिक भी खड़े थे बिट्टो के बगल, बउआ के बगल में खेल रहे थे, वो बउआ डांस कर रहा था, हम सब लोग इसको देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ ईशान की मस्ती। तो उसके बाद डांस वगैरह हो रहा था तो वो भी, हम लोगों ने भी डांस किया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नैतिक भी, नैतिक ने फर्स्ट टाइम कहीं डांस किया। नैतिक घर पे तो करते थे बट ऐसे नैतिक नहीं करते थे, नैतिक को बड़ी शर्म आती थी। तो यहाँ पर देखिए नैतिक ये हल्का सा किया तो मैंने कैप्चर कर लिया था, बट उसके बाद फिर नैतिक को समझाया बुझाया तो फिर नैतिक डांस करने आ गए थे। तो महिमा भी डांस कर रही है, तो चलिए आप लोग इंजॉय करिए डांस। बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने बंद कर दिया है, कॉपीराइट क्लेम आ सकता था। तो चलिए फिर मैं, आप लोग डांस इंजॉय करिए, फिर थोड़ी देर के बाद मिलूंगी आप लोगों से। सब यहाँ पर मैंने जैसा भी डांस किया मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ज़्यादा तो मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत भांगड़े में ही मैं कर लेती हूँ हल्का फुल्का, वो भी ग्रुप में, ऐसे मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये बर्थडे ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी आप लोगों से जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल।